हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरएसआर फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आरएसआर फाइनेंस पे। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि दोस्तों हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, एक नई लोन अप्लीकेशन लेके आ गए भैया, उस अप्लीकेशन का प्रूफ भी देंगे, सब कुछ देंगे। वीडियो में पूरी तरह से बने रहिए, वीडियो को भी थोड़ा सा स्किप नहीं करना। कैशबूज अप्लीकेशन का नाम है, इंटरनेट जाकर अप्लाई मत करना, अभी पहले वीडियो को देख लो फिर जाके डाउनलोडिंग कर लेना। भाई यहाँ पर कह रहा पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, एरिया पिन कोड, ठीक है, प्रोवाइड योर डिटेल्स ऊपर लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे दे देते हैं और यहाँ पे बैंक नेम, ठीक है, तो फटाफट दे देते हैं और आगे का स्टेप देखेंगे क्या आने वाला है। तो दोस्तों, हमने सारी चीज़ जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब प्रॉब्लम क्या आ गई यहाँ पर, आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, भाई लोन तो मिलेगा आपको, ऐसी बात नहीं है, लोन तो मिलेगा, लेकिन यहाँ कुछ टर्म और कंडीशन है वो आपको यहाँ पर फॉलो करने पड़ेंगे। सबमिट वीडियो लाइव, ठीक है, मैं एक एक स्टेप समझाऊंगा, पूरे ध्यान से समझना तो ही अप्लाई करना, ठीक है, पूरे ध्यान से समझना। यहाँ लिखा हुआ इनकम डॉक्यूमेंट और केवाईसी डॉक्यूमेंट और यहाँ बैंक डिटेल फॉर एनएससी, ठीक है, एनएससी एंड करेंट एड्रेस प्रूफ और सबमिट वीडियो लाइव। वीडियो लाइव में आपको क्या बोलना होता है, वीडियो लाइव का मतलब होता है वीडियो लाइव में आपको कुछ बोलना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा होगा, मैं बताऊँगा आपको क्या बोलना पड़ेगा। पहले इनकम प्रूफ में आपको दिखाऊँ, एडिट योर स्टेटमेंट, ठीक है, मैं स्टेटमेंट लगा देता हूँ पहले यहाँ पर। तो ठीक है, हमने यहाँ पे जो है बैंकिंग स्टेटमेंट अपलोड कर दिया। अब यहाँ केवाईसी डॉक्यूमेंट, तो टेक योर पैन कार्ड और टेक योर आधार कार्ड। तो दोस्तों, ये चीज़ मैं निकाल लेता हूँ पहले, वन सेकंड, ठीक है, तो मैं अपलोड कर देता हूँ फटाफट और देखते हैं भाई आगे का स्टेप। तो ठीक है, यहाँ पे हमने केवाईसी डॉक्यूमेंट भी अब सबमिट कर लिया। बैंक डिटेल्स फॉर एनएससी, क्या प्रॉब्लम है भाई इसका, मतलब यहाँ पे बैंक अकाउंट हमें देना पड़ेगा, है ना, तो एंटर योर बैंक, तो भाई बैंक नेम दे देते हैं यहाँ पर, एंड कोटक, कोटक भाई ये रहा कोटक महिंद्रा बैंक। ये पूछा जा रहा भाई सेविंग अकाउंट ही आपका, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट ही होगा। एंड नेम पर योर बैंक अकाउंट, भाई रंजीत नाम है मेरा बैंक अकाउंट में। अकाउंट नंबर की बात करें तो अकाउंट नंबर मैं डाल देता हूँ, ठीक है, आईएफएससी कोड भी यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ सबमिट कर देता हूँ। दिस फॉर एनएससी सबमिट सक्सेसफुली, ओके, यहाँ हमने ये भी सबमिट कर दिया है। अब यहाँ करंट एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में क्या डालेगा भाई, यहाँ पे देखूँ ज़रा, यहाँ पे भाई एड्रेस प्रूफ में आपको कुछ भी लगा देना, जैसे कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक बिल हो या कुछ भी ऐसी चीज़ हो तो यहाँ पे लगा सकते हो। फिलहाल मैं इलेक्ट्रॉनिक बिल लगाने वाला हूँ, तो मैं बिल को निकाल के फिर अपलोड करता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा वेट करना। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है अपलोड कर दिया है, यहाँ पेंडिंग क्यों शो हो रहा है, दोबारा अपलोड करना पड़ेगा मेरे को लगता है, यहाँ दोबारा अपलोड करना पड़ेगा फिर से, अगेन अपलोड। तो यहाँ देखिए डन लिखा आ गया, डन 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 डन, सब जगह डन है। अब यहाँ पे सबमिट लाइव प्रूफ वीडियो, समझ लीजिए इस चीज़ को, आप यहाँ पे एडिट योर सेल्फी 5 सेकेंड तक वेट करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो भाइयों, आपको वीडियो में जो बोलना है मैं आपको बता दूँ, वीडियो में बोलना है अपना नाम, ठीक है, यहाँ देखिए वीडियो सक्सेसफुली सबमिटेड। अब यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस दिखाएगा हमें, ठीक है, तो थोड़ा वेट करेंगे एप्लीकेशन स्टेटस का। तो यहाँ थोड़ा लोडिंग ले रहा है, प्लीज़ डोंट माइंड, थोड़ा सा वेट कर लीजिए और देखते हैं क्या आता है।